ਰੱਖਦਾ। गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। निकल पड़े एक और ब्लॉग लेके। तो अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग आरवी लेके यहाँ पे आए। दिस इज़ आवर आरवी पीछे एंड माय फ्रेंड्स आर गेटिंग रेडी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मरीना, वहाँ से बोट बुक करेंगे एक। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो मोस्टली बोट पे ही बेस्ड होगा, और कितना कॉस्ट है, कौन सा ले रहे हैं वो सब आपको पता चलेगा। सो स्टे कनेक्टेड। होपफुली अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो मेरे ब्लॉग्स, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, उससे और इंस्पिरेशन मिलता है, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं यूएस में रहता हूँ, तो एरिजोना में, तो डेफिनेटली एरिजोना के आसपास अगर आप लोग हैं तो मेरे ब्लॉग्स को देखिए। बहुत सारा घूमने का जगह मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग जाने के लिए। ट्रेसपासिंग वाज नॉट अलाउड करके हम अंदर जाने में थोड़ा ये लग रहा था, बट वो बंदा बोला कि ये डायरेक्शन में आगे जाना है, सो आई थिंक वी आर गुड। कोई व्हीकल्स नहीं है, सो इट्स गुड। और ऐसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत नया है। इट्स लाइक 2021 या 2020 लास्ट में ये ओपन हुआ था, तो इट्स वेरी न्यू। Thank you so much. Thank you. Yeah, see ya. Yeah, see ya. चलो अच्छा हुआ हम लोग को राइड मिल गया, क्योंकि ये बहुत दूर था। अभी हम लोग आ गए हैं बोट रेंटल के ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो जन से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं आने। हम लोग को फ़ोन करो, बोलो किसी को पकड़ने, इट्स क्वाइट फार। तो अगर आप लोग बाई रोड आ रहे हैं यहाँ तक बोट रेंटल तक, डेफिनेटली टेक दिस बगी राइड्स, इट्स प्रिटी फार। आते आते ही थक जाओगे, बोट में जाने का मन ही नहीं करेगा। थैंकफुली वो बंदा बोला कम, हम लोग बोले थे नहीं नहीं जाओ, हम लोग फोटो वोटो ले रहे थे, वो बोला नो नो कम इट्स फार। तो मेरे बाकी दो फ्रेंड्स वो लोग बोले तुम लोग जाओ, तो बट मैं वही कॉल कर रहा हूँ अभी कि भाई कोई मिले तो ले लो, बहुत दूर है। फॉर्म भर रहा हूँ ये बोलते हुए कि अगर कुछ हो जाता किसी को तो इन लोग का जिम्मेदारी नहीं है। तो हम लोग एक डेक बोट लिए। ये डेक बोट क्या है, कैसा दिखता है, कुछ देर में पता चल जाएगा। और द रेट सर $85 पर आवर, मिनिमम 2 आवर्स,
एंड ऑल्सो एक इंश्योरेंस लिया मैंने जस्ट इन केस बॉडी वॉडी में कुछ स्क्रैच वैच पड़े. सो दैट वॉज $60 पर राइड. तो जस्ट इन केस यू नो आई डिडंट टेक एनी चांस. तो यही हिसाब किताब है. मेरे बाकी दोस्तों भी आ गए और वो पेपर वर्क कर रही है. करने के बाद विल स्टार्ट आवर जर्नी. वापस आना है बाई 3. इट्स ऑलरेडी 12:40. हम लोग अभी तक वेट ही कर रहे हैं. मैं पैसे आके बैठ गया अंदर. तो एक फ्रेंड को भेजा अंदर बात करने के लिए कि भाई किसी को जल्दी भेजो, कब तक इतने पैसे बैठे रहेंगे. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा ऑन अ बोट. बहुत सारे चेकलिस्ट इस ट्रिप पे साइन हो रहा है. आरवी वॉज माई वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू. और ये बोटिंग का भी, हम लोग लेक प्रेजेंट में गए थे जब मेरी दीदी लोग आई थी, बट वो बंद था. उसमें भी ऐसे ही है, बट दिस इज लेक पावर, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट. सो मज़ा आने वाला है. और वहाँ पे मैं कुछ कुछ बोर्ड्स देख रहा हूँ, ऐसे स्लाइडर्स हैं. तो यू नो अगर किसी को स्विमिंग में आता है, यू कैन स्लाइड टू द लेक एंड टेक अ बाथ एंड स्विम एंड कम बैक. बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बट हाँ स्विमिंग इज समथिंग विच वी शुड नो. हम लोग को मिला एक बंदा जो हम लोग को सिखाएगा कैसे बोट चलाना है. थोड़ा बहुत तो पता है, बट फिर भी एवरीथिंग, एवरी बोट इज डिफरेंट राइट. कुछ अलग ही होगा इसमें. हम लोग को पूरा केटी दे रही है यहाँ पे. तो कैसे कैसे बोट चलाना है, कहाँ पे स्पीड कम रखना है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा रखना है, वो सब बता रही है. ये यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से इसके अंदर आके लाइफ जैकेट लेना है. Yes, let's go. पे लग गए. सी दिस, हियर इज द कैमरामैन, देयर इज द मॉडल. सेकंड का वीडियो भी ले लो. वीडियो भी चाहिए भाई सबको. और कुछ 30 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स. बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस. मैं भी यही करता हूँ. फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो. जगह ही ऐसा क्या करो. स्पीड बढ़ गया. अभी हम लोग अभी साइलेंट जोन से निकल गए. तो नाउ वी कैन गो एट 2 something, पता नहीं क्या उसका यूनिट ऑफ मेजर है. नॉटिकल माइल से कुछ तो बोली थी वो. तो मज़ा आ रहा अभी, पूरा विंडी एकदम लग रहा है ना, मज़ा आ रहा. वो कैनियन आ रहा जिसका बीच से अभी हम लोग जाएंगे. ये ठंडा थोड़ा कान मेरा बचा हुआ है, ठंडा विंड आ रहा है, इसलिए मैं ये पहन के आया था. धूप था फिर भी, क्योंकि पता था कान बच जाए, बच जाएगा तो बाकी सब इज फाइन. कितने बार हम लोग ये वाला जगह क्रॉस किए हैं और कितने बार मन हुआ था कि मैं बोटिंग करूं, बट नहीं कर पाया. कंपनी प्रॉपर नहीं था, मतलब उतने जन नहीं थे. कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोग वो ये है वो है, तो नहीं कर पाया. बट देन अच्छा हुआ कि हम लोग ये प्लान किए. थोड़ा डाइसी था कि पता नहीं ठंड होगी नहीं होगी, बट गुड दैट वी केम एंड बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मैं यहाँ पे कंटेंट वाइज बोलने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट बोलने के लिए ऐसा नहीं है. तो आप लोग फिलहाल लेक पावर का मज़ा लीजिए, वीडियोस का मज़ा लीजिए, और दैट्स अबाउट इट. लाइफ इज टू. मेरा चलाने का टाइम आ गया है. ड्राइव कर रहा हूँ.
आज व्यू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तू नहीं है बात न मानी अभी हम लोग आ गए हैं पास में, फिर लेट गया था थोड़ा और यहाँ से दिख रहा है जो अपना डॉकिंग स्टेशन है प्लेस। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्लेस डजेंट मैटर, कंपनी मैटर्स बहुत लोग बोलते हैं एंड एक्चुअली इट इज़ ट्रू। बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग वो एक जो ऑयल है, जो गैस है, वो फिल करने के बाद वापस काउंटर पे जाना है और उसको शो करना है कि सब कुछ ठीक है ऑल दैट। और 500 एक वो लोग डिपॉजिट बनी रखा था, मतलब कार्ड में दे है ब्लॉक्ड इट, उसको रिलीज कर देगा। गैस यूज हुआ था वो वापस रिफिल करना है, तो यहाँ पे गैस। ये रिफिल करना ज़रूरी है, मतलब हम लोग जब गए थे, जैसे नॉर्मल रेंटल कार्स का भी होता है ना, जो हम लोग निकलते हैं तो फुल रिफिल रहता है, फुल टैंक रहता है, फिर आके रिफिल करते हैं, सिमिलर प्रोसेस। सो वी यूज 11.4 गैलन्स। दैट्स ऑल गाइस, यहीं से साइन आउट कर रहे हैं। पीछे बहुत अच्छा मरीना है और बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एकदम मस्त अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप कनेक्टेड, सब्सक्राइब। बाय बाय।